हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल, मेरे प्यारे कान्हू में। तो जहाँ आज आप देख रहे हो वीडियो, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये सारा श्रृंगार और ये सारा सामान माता रानी का है। जैसे कि नवरात्रि आने वाली है और उसी के लिए मैंने ये सारा सामान यहीं पे अपने लोकल मार्केट से खरीदा है। क्योंकि मैं हर बार शेयर करती हूँ तो मैं इस बार भी आपसे ये सब शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये सारा सामान है जो मैंने अपनी माता के लिए और प्लस मम्मी के घर की जो मेरी माता रानी है उन सब के लिए, मतलब मैंने ये लिया है। और मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पे गिव अवे चल रहा है, तो उसमें ज़रूर से पार्टिसिपेट करिएगा अगर आपने नहीं किया। और गिव अवे का मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां जाकर के आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो चलिए अब दिखाते हैं मैंने क्या लिया है अपने माता के लिए। और लड्डू की शॉपिंग मैं अलग से शेयर कर दूंगी कि मैंने नवरात्रि पे उनको क्या मैंने उनकी ड्रेस ली और क्या मैंने उनके लिए लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए आसनी। तो एक ये ऐसी आसनी ली है मैंने, और ये आसनी मुझे मिली है, प्राइस इसमें लिखा नहीं है क्या, ओ तो मुझे प्राइस इसका याद भी नहीं आ रहा है शायद, लेकिन 100 या 110 की है ये। और ये एक बहुत सुंदर सी काफ़ी डिज़ाइन वाली ये आसनी है, इसमें इस तरह से गोटा का पूरा ये। तो एक ये आसनी ली है और एक ये बड़ी आसनी है, तो ये पूरी एक बड़ी आसनी है जिसमें पूरा इस तरह से ये देखिए गोटा का पूरा वो हुआ है। और उसके बाद मैंने ली है एक ये छोटी आसनी जिसमें मैंने ये माता का, इसमें माता को विराजमान उनकी चौकी पर मैं ये बिछाती हूँ, तो एक ये आसनी है। उसके बाद एक ये आसनी ली और ये वाली छोटी आसनी मुझे मिली है 15 रुपये की। उसके बाद मैंने एक ये आसनी ली है, ये चौड़ी आसनी है जो मैं जो है अपने जो उस पर है आसन पे उस पर बिछाऊंगी मैं, और ये 40 रुपये की है और ये भी काफ़ी बड़ी आसनी है ये देखिए। तो एक ये आसनी हो गई। उसके बाद ऐसी मैंने आसनी ली है, ये थोड़ी सी अलग मुझे लगी इस बार तो मैंने ले ली, क्योंकि हर बार ही अलग अलग लो तो अच्छा लगता है। तो एक ये ली है और ये आसनी मुझे पड़ी है 1 30 रुपये की। और ऐसी मैंने कई सारी ली हैं। और इसी में मैंने ये लिया है, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अलग जो मैंने लिया है। तो ये मैंने लिए हैं साईं बाबा के कपड़े, मैं निकाल लेती हूँ तब आपको सारे दिखाती हूँ। तो ये साईं बाबा जी के कपड़े हैं, ये जो ये छोटे वाले जो हैं साईं बाबा, ये उनके हैं मम्मी के, और ये मेरे वाले साईं बाबा जी के कपड़े हैं। और एक ये मैंने येलो लिया है। इस टाइम पर एक्चुअली कपड़े अच्छे मिल जाते हैं बाबा के और सारे भगवान जी के, तो ले लेते हैं हम ये। तो 60 रुपये का है, 60 रुपये का है, और ये है 40 रुपये का। तो ये तो रहे साईं बाबा कपड़े, इनको मैं खोल के नहीं दिखा रही हूँ। ये देखिए बहुत ये ऐसे मतलब हैं, अच्छे से हैं ये देखिए। और अब उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये जो पहले और कपड़े ही दिखा देती हूँ सारे। और एक ये देखिए, ये सब मैंने मैचिंग लिया है क्योंकि माता रानी जो बड़ी माता रानी का है उनका भी इसी तरह का है, तो मुझे सेम कलर ही लेना था। तो ये हमारी ठकुराइन का है और ये हमारे राधा कृष्ण जी का है यानी बिहारी जी का है। ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, तो ये मैंने खोल दिया है। ये बहुत ही पीच कलर का नेट का है, बहुत ही सिंपल सा है, और ये मुझे मिला 35 रुपीज़ का। ये 1 नंबर साइज है। और उसके बाद सेम ऐसे ये देखिए राधा रानी का है, और ये है राधा रानी का छोटा सा ब्लाउज, और ये बिहारी जी की धोती, ये बिहारी जी का, ये माता रानी की चुनरी बहुत ही सुंदर से ये देखिए सिल्वर और पीच में है, तो समर के हिसाब से बहुत ही अच्छा मुझे लगा। और ये है बिहारी जी का पटका, और इसकी मैचिंग पगड़ी माला वगैरह सब है, और वो अलग से मैंने पहले लिया था ऑनलाइन तो वो अलग रखा हुआ है। तो ये एक सेट है। और साईं बाबा का इस तरह का कपड़ा अगर आपको देखना हो कभी भी अलग से वीडियो तो मैं बना दूंगी। उसके बाद ये देखिए, ये है माले, ये मुझे थोड़े से अलग लगे। ये ऐसे माले सही रहते हैं डेली वेयर के लिए, बहुत डेली वेयर के लिए ऐसे माले बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, इसमें ये छोटा सा स्टोन लगा है, बाकी पर्ल लगा है। तो ये माता को और सारे मतलब जो माताएं हैं उनके लिए है। उसके बाद मैं दिखाती हूँ जो मेरी छोटी माता रानी, उनका भी श्रृंगार आपने देखा होगा, तो उनके लिए लिया है मैंने ये लहंगा ग्रीन कलर का, बहुत ही सुंदर सा मुझे ग्रीन कलर लगा ये लहंगे का। और ये इसमें दिया हुआ पटका, और पटके में भी ये इस तरह से लगा हुआ है स्टार, और ये मिला है 90 रुपीज़ का। तो इसको मैं खोल के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये ऐसा मुझे लग रहा है इसमें इतना सुंदर नहीं आ रहा, बट ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही सुंदर है ये लहंगा। और इसके साथ ये, क्योंकि माता रानी मेरी बहुत छोटी सी है, उसके साथ ये मिला है पटका, और ये सिल्क का एकदम फैब्रिक है ये। तो ये है लहंगा और वो,
और इसके मैचिंग मैंने लिए हैं ये दो कंगन। तो ये देखिए, तो ये देखिए, ये हैं इसके कंगन इस तरह से, और ये बहुत ही प्यारे से कंगन है। ये देखिए, तो ये इस तरह से कंगन है इसके, और ये एक इसका कलर है और एक कलर है इसका ये ग्रीन कलर, जो कि लहंगे पे बिल्कुल जाएंगे। तो ये दो कंगन के सेट हैं। उसके बाद मैंने एक माता के लिए लिया है एक छोटा सा मुकुट। मुकुट माता रानी के पास और भी है, पर फिलहाल मैंने एक ये मुकुट लिया है क्योंकि उनके केश लगते हैं और उनके पास चंद्रिका भी है, पर इस तरह से मुकुट भी आप कभी कभी माता को लगा सकते हो। और उसके बाद मैंने हार आपको दिखा दिया, वो सारी चीज़ें दिखा दी मैंने, ओके। और उसके बाद मैंने ली हैं ये दो चोटियाँ। तो ये कुछ इस तरह से, ये देखिए चोटियाँ हैं, ये तो ये दो चोटियाँ हैं। ये छोटी वाली जो सीता माता है उनके लिए है, और ये मेरी दुर्गा माता के लिए है क्योंकि और तरह के केश उनके पास हैं। और चंद्रिका वगैरह भी मेरे पास एक नई रखी हुई है, मांग टीका भी रखा हुआ है जो मैंने पहले से ही ऑर्डर करके रखा हुआ था। और ये कपूर है, पूजा का सामान मैं नहीं दिखा पाती हूँ, अगर आप कहोगे तो कभी दिखा दूंगी। ठीक है, ये तो था छोटी माता रानी का सामान, अब मैं आपको दिखाती हूँ बड़ी माता का सामान। तो सबसे पहले तो ये देखिए, इस बार मैं ये लहंगा लाई हूँ माता रानी का, और पीच मतलब पीच थोड़ा शेड में ये लहंगा है, और बहुत ही सुंदर सा इसमें ये गोटा का पूरा सीक्वेंस का काम है माता के में। और पिछली बार मैं नेट का लाई थी, तो इस बार मुझे लगा कि थोड़ा ऐसा ले लेती हूँ। ये है ब्लाउज इसका अलग, और इसका लहंगा, ये है इसका लहंगा। अब मैं आपको खोल के दिखा सकती हूँ क्योंकि मुझे ये पहनाना है बस। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से लहंगा है ये, और ये इतना बड़ा लहंगा मुझे मिला है 350 में, आई थिंक 350 का है, मुझे प्राइस इस पर अभी याद नहीं आ रहा है। पर पिछली बार वाला लहंगा जो था वो थोड़ा और कॉस्टली था, बट मुझे ये इस बार अच्छा लग रहा था। आप ये देखो, ये कलर नहीं था माता के पास मेरी, ये थोड़ा सा पीच, आप कह सकते हो पीच शेड में है, मतलब बहुत ही प्यारा सा है। और ये है इसका पूरा दुपट्टा, ये देखो, तो ये है पूरा लहंगा, ओके। तो ये तो था लहंगा। अब लहंगे से मैचिंग ली है मैंने माता रानी की माला, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ माता की माला कहाँ गई। एक तो ये देखिए, तो ये लिए मैंने माला, और ये मुझे स्टोन की माला है बहुत ही सुंदर सी, तो ये काफी बड़ी माला है। अब हाथ पे देखो, मैं देके दिखाती हूँ, ये काफी बड़ी सी माला है ये, इसके ब्लू मैंने लिया ताकि थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट पे जाए, और काफी सुंदर माला है ये मुझे। और ये माला मुझे मिली है 120 की। मुझे लगता है कि माला ये वाली थोड़ी ऑनलाइन मुझे महंगी मिलती, बट ऑफलाइन मुझे सही प्राइस पे मिली है, आप लोग बताइएगा। तो 120 रुपए की ये माला है। और उसके बाद मैंने लिए हैं ये, इस तरह से क्या है, मैं माता को ये हाथ पे पहनाऊंगी तो काफी जैसे गजरा नहीं होता है, ये उसका टच देगा। और ये मैं माता रानी को, दोनों को मैं माता के हाथ पे पहनाऊंगी, और ये बहुत ही सुंदर लगने वाले हैं। बाकी चूड़ी वगैरह कंगन में पहले ले आई थी, तो ये सब चीजें अभी इस वीडियो में नहीं है। तो ये तो माला थी, ओ मुकुट रह गया माता का। तो मुकुट मैं हर बार जैसे चेंज करती हूँ, क्योंकि वैसे वो नॉर्मल में चांदी का मुकुट एक है और उसे वो लगाती हैं, पर अभी फिलहाल मैं ये मुकुट लाई हूँ जो मुझे इससे मैच कर रहा था। मैं हर बार ही मैचिंग मुकुट लेकर के आती हूँ, 9 दिन वही ऐसे पहनाते हैं। हम रोज श्रृंगार शेयर नहीं करते क्योंकि माता की मूर्ति हम रोज नहीं छूते 9 दिन। तो ये देखिए, और ये मुकुट मिला है 150 रुपीज का। तो ये कुछ श्रृंगार था माता रानी का और सारे साईं बाबा का, और लड्डू गोपाल का मैं अलग से बना दूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये माता रानी का शॉपिंग का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए और आप मेरे वीडियो जल्दी से जल्दी देख लो। तो मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी नवरात्रि, खुश रहिए, अच्छे से पूजा करिए, आप भी माता का श्रृंगार करिए, और हो सके तो मुझे इंस्टा पे शेयर करिए। मेरे इंस्टा की आईडी फॉलो करने के लिए आपको नीचे लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लस आपको स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा होगा। मेरे प्यारे कान्हू फॉलो करिए और मेरे गिव अवे में जरूर पार्टिसिपेट करिए। तो हरे कृष्णा, राधे राधे।